Assalamualaikum and a very warm welcome to Dr. Nosheeba Salman and Skin Solutions. उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, सेहतमंद होंगे, अपने घर में खुशबाश होंगे और इस गर्मी के मौसम में अपनी स्किन का, अपने बालों का और अपनी सेहत का ख्याल रख रहे होंगे। जी हाँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी के अलावा ह्यूमिडिटी बहुत है, क्योंकि जो बरसात का मौसम होता है जिसमें बारिशें हो रही होती हैं, उसमें जो आपकी स्किन है और जो आपके बाल हैं उनके टेक्सचर में डेफिनेटली डिफरेंस आता है। तो गर्मी में और ह्यूमिडिटी में, यानी कि समर्स भी हैं और ह्यूमिड समर्स हैं, तो ऐसे मौसम में जो सबसे कॉमन इशू होता है वो होता है जी वाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स का। बहुत ज़्यादा कॉमनली जो है वो हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है, रजिस्टर होती है कि पेशेंट्स आके कहते हैं कि बस स्किन का कुछ ना पूछें, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा कि स्किन को क्या चाहिए। और मैं तो ये भी करती हूँ, मैं तो ये भी लगाती हूँ, लेकिन इसके बावजूद, और सफाई भी रखती हूँ स्किन की, लेकिन इसके बावजूद मेरी स्किन पे वाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनना शुरू हो गए हैं इस मौसम में, तो उसका क्या करें। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ चीज़ें जो कि आपको अपनी रूटीन में रखनी चाहिए ऐसे मौसम में स्पेसिफिकली एंड स्पेशली, वो क्या है। वो है जी क्लिंजिंग। तो आपने क्लिंजिंग जरूर करनी है। क्लिंजिंग जो होती है वो फेस के ऊपर आप दिन में 2 दफा भी कर सकते हैं, नहीं तो 1 दफा रात को सोने से पहले क्लिंजिंग जरूर करें। क्लिंजिंग करने के लिए आपने कोई भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट यूज नहीं करना इस वेदर में, नहीं तो आपके पोर्स के क्लॉग होने का चांस ज्यादा हो जाएगा। इसके अलावा 10 सेकेंड से ज्यादा क्लिंजिंग करने की जरूरत नहीं है, और क्लिंजिंग आप फेस वॉश करने से पहले करते हैं। अब हम आ जाते हैं कि इसके अलावा क्या करना चाहिए। डेफिनेटली क्योंकि वेदर चेंज हो गया है, मौसम बदल गया है, तो आपको भी जरूरत है कि आप अपना फेस वॉश जरूर बदल लें वेदर के हिसाब से और स्किन के हिसाब से, ताकि आपकी स्किन जो है वो इस वेदर में भी अच्छी तरह से काम रह सके और हेल्दी रह सके। उसके बाद आ जाती है जी एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन आप इस वेदर में जरूर रखें। अगर किसी की स्किन मैच्योर है, ड्राई है या एजेड है, तो वो हफ्ते में 2 दफा एक्सफोलिएशन करे, और एक्सफोलिएशन भी 10 सेकेंड से ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती। और अगर किसी की स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है, तो वो एक दिन छोड़, ऑयली है या ऑयली टू नॉर्मल है या नॉर्मल स्किन है, तो आप लोगों को चाहिए कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन के बाद 10 सेकेंड्स के लिए एक्सफोलिएशन जरूर करें। अब हम आ जाते हैं कि ये तो आपने घर में जो चेंजेस करनी है अपनी डेली रूटीन में वो मैंने आपको बता दी है, लेकिन ये सब करने के बावजूद अगर आपकी स्किन पे व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बनते हैं, तो फिर आपको जरूरत है कि आप हमारे पास क्लिनिक पे आए, और क्लिनिक पे आके आप ऑक्सीजन थेरेपी करवाएं। ऑक्सीजन थेरेपी जब आप करवाएंगे तो वो आपकी स्किन की डीप क्लिंजिंग करेगी, आपके पोर्स के दरमियान में जो गंद है, गंक है, सीबम है, वो सारे का सारा क्लियर कर देगी, उस आपकी स्किन को फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचाएगी, जिससे आपकी स्किन जो है वो फ्रेश हो जाएगी। और आप देखेंगे कि आपकी स्किन पे जो सीबम की एक्टिविटी चल रही है, जो सर्वेशियस एक्टिविटी चल रही है, व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स बन रहे हैं, वो कवर होना शुरू हो जाएंगे। मोस्टली हम 2 to 3 सेशंस जो है वो ऑक्सीजन थेरेपी के रेकमेंड करते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है, अगर आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज्यादा व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स नहीं है या बहुत ज्यादा ऑयली स्किन नहीं है, तो फिर हम उससे कम सेशंस यानी कि 2 सेशंस भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपनी स्किन के लिए घर में चेंजेस कर लें। अगर वो चेंजेस करने के बाद आपकी स्किन का प्रॉब्लम या इश्यू सॉल्व हो गया है, तो वेल एंड गुड, और अगर नहीं हुआ तो फिर आप लोगों ने हमारे पास क्लिनिक आना है। और ऑक्सीजन थेरेपी मेल, फीमेल, यंग, ओल्ड कोई भी करा सकता है जिसकी स्किन के ऊपर व्हाइट हेड्स ब्लैक हेड्स का इशू हो। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए जो है वो आप हमारे पेज को भी विजिट कर सकते हैं, आप हमारे जो है वो कॉल करके भी चेक कर सकते हैं कि आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। तो अपना बहुत ख्याल रखें, और आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे बहुत जल्दी। अल्लाह हाफिज़।